हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। तो देखिए, जो लोग टाइम पास करने के लिए आए हैं, सबसे पहले आप यहाँ से चले जाइए, है ना। टाइम पास के लिए आप, ठीक है। जो लोग मजे करने के लिए आए हैं, आप कहीं और जाइए। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर आप अच्छे से मजा कर सकते हैं, ना, वहाँ पर जाकर आप मजा कीजिए। क्योंकि मैं इस सेशन में कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो आपके दिमाग होते हुए आपके बॉडी के अंदर एंटर करेगा। ये चीजें आपको बहुत ही बुरा लगेगा, बहुत ही अच्छा लग सकता है। अगर आपको अपनी बुराई सुनने की क्षमता है तो आप बने रहिए सेशन। अगर आप अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं तो आप कहीं और जाइए। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, टाइम पास कीजिए। मुद्दा नंबर टू, आप क्या देख करके आ रहे हो यहाँ पे? पहली बात बताओ, तुम इस वीडियो पर क्यों क्लिक किए हो? या तो तुम्हें टाइटल अच्छा लगा होगा, या तो तुम्हें फोटो अच्छा लगा होगा, या इस चैनल को तुम पुराने समय से फॉलो करते हो। तीन केस हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, मुद्दा नंबर टू, तुम यहां क्यों आए हो? मुद्दा नंबर थ्री, तुम्हें सच में लगता है तुम जिस कारण से मेरी बात को सुन रहे हो, तुम्हें सच में लगता है कि वो चीज तुम्हारे मिलने वाली है? तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है? तो तुम ऐसा बिलीव कर रहे हो कि तुम्हें वो चीज मिलने वाली है? मुद्दा नंबर फोर, अगर तुम्हें वो चीजें मिलने वाली है जिस चीज के लिए तुम यहाँ पर आए हो, मुझे सुन रहे हो, तो आज तक तुम्हारी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि तुमने इस चीज को नहीं सुना? कहीं ना कहीं तो सुना होगा, कोई ना कोई तुम्हें बोला होगा। तो अगर बोला सुना तब नहीं तुम्हारा कुछ हुआ, तो अब क्या होगा? मुद्दा नंबर फाइव, लास्ट मुद्दा, इन सब के बाद भी अगर तुम चैनल पे बने हुए हो, तुमसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। अभी भी जा सकते हो, मौका है, ठीक। अगर तुमने बेशर्मी की हद पार ही कर दी है तो अब सेशन की मई सो। स्टूडेंट, एक बात बताओ, आपकी किसी भी क्लास में हो, मैं उसके बारे में बात कर ही रहा हूं, ठीक है, ओके। आप किसी भी लेवल पे हो सकते हो, कहीं पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, दैट डजंट मैटर। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, दैट आल्सो डजंट मैटर। द थिंग इज दैट आप जो भी सिलेबस फॉलो कर रहे हो, जो भी किताबें पढ़ रहे हो, क्या उसको पढ़ने में आपको मन लगता है? सच्चाई से बताइए, झूठ मत बोलिए। आप जो भी किताबें पढ़ते हो, जो भी सिलेबस है, क्या आपको उस चीज को करने में मन लगता है? मन समझ रहे हो स्टूडेंट, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? क्या आपका मन लगता है उस काम में? काम का मतलब यहाँ किताब है ना दोस्तों? तो रिसर्च कहता है कि आउट ऑफ 100 अगर ये क्वेश्चन आप पूछो तो 97 स्टूडेंट आपको बोलेगा कि नो, ओनली 3 स्टूडेंट बोलेगा आपको यस। फिर
इस 97 स्टूडेंट को पर रिसर्च किया जाता है, 97 को 100 की टीम बनाई जाती है, 97 वाले टाइप का और 3 वाले टाइप का 100 की टीम बनाई जाती है। फिर रिसर्च ये कहती है कि इसमें से 2% लोग सक्सेसफुल होते हैं और यहां से 80% लोग सक्सेसफुल होते हैं। 80% प्लस का 2% करो, कितना हो गया? 82%। तो सवाल है कि बाकी के 18% कहां से आ रहे हैं? क्वेश्चन समझ रहे हो? उससे पहले आप इस क्वेश्चन को समझो। 97 स्टूडेंट को पढ़ने में मन नहीं लगता था, मैंने 97 स्टूडेंट इस टाइप के स्टूडेंट का 100 का सेट बनाया, उसमें से 2% स्टूडेंट सक्सेसफुल हुआ, बाकी के 98% नहीं हुए सक्सेसफुल, वो अपनी जिंदगी में हार गए, हार गए। लेकिन 2% ने अपनी किस्मत बदल ली, 2% ने अपनी किस्मत बदल ली। समझ रहे हो मेरी बात? ये 2% कहां से निकला है स्टूडेंट, ये 2% कहां से निकला है? इस 97% से निकला है, उसको पढ़ने में मन लगता ही नहीं। समझ लो मेरे बात। अब जो ये 3 स्टूडेंट था जिनको पढ़ने में मन लगता था, 3 स्टूडेंट जो है जिनको पढ़ने में मन लगता था, इसके अपन ने सेट बनाए 100 स्टूडेंट का और इसमें से कितने स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए? 80%। तो आपका ध्यान 80% पर नहीं जाना चाहिए, आप कुछ मिस कर रहे हो। फिर सर इसमें से 20% स्टूडेंट कहाँ गए जो सक्सेसफुल नहीं हुआ आपने? समझ गए मेरे बात? तो अब देखो, इधर से 20% है ना, दिमाग में रखना, इधर से कितना कितना? 98%। ये गेम में सक्सेसफुल नहीं हो पाया और एक्स्ट्रा कितना आया इधर से? 18%। देखो 20 98 18 मिटा रहा हूं मैं, 20 98 18 समझो इसको। तो मुद्दा नंबर 1 जो है आपका, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एम आई राइट? जो मुद्दा नंबर 1 है आपका, पढ़ने में आपको मन नहीं लग रहा है ना? तो क्या सिर्फ आप अकेले हो जिसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? बताओ, क्या आप सिर्फ अकेले हो जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? आंसर है नो सर, नो सर। हमारे तरह 97% की कम्युनिटी और है जिसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। मैं तो उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ कि क्यों नहीं लगता है ना, मैं तो क्यों की बात कर ही नहीं रहा हूँ। इसकी बात करूंगा तो मेरे को कितने साल लग जाएंगे? 1 साल लग जाएंगे, हैं दिन रात बोलना तो भी खत्म नहीं होता। इस लपेटे में तो मैं पढ़ना चाहता ही नहीं, मैं यह भी चाहता कि तुम भी मत। तो 97% आपके तरह स्टूडेंट है, आप किसी भी क्लासेस में स्टडी कर रहे हो, जो आप ही की तरह परेशान है, परेशान। सिर्फ आप नहीं हो, आपके तरह 97% 3% स्टूडेंट जो है, 3% स्टूडेंट जो है, तो ऐसे अगर इस कैटेगरी में आप हो, क्या सिर्फ आप अकेले हो? क्या सिर्फ आप अकेले हो? आपका भी एक समूह है। इस समूह में से क्या हर कोई सक्सेसफुल हो जाएगा? अभी मैंने प्रूव किया था ना आपको रिसर्च से, 20% कुछ हवा ही नहीं लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात?
तो इतना देर में मैंने आपको मुद्दा नंबर वन क्लियर किया है कि आप अब ये पता करो। देखो अब कहोगे सर ये अब तो बहुत 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 सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, दे यूज टू टेल मी कि सर कभी कभी मन लगता है कभी कभी नहीं लगता है ना, कभी कभी मन लगता है कभी कभी नहीं लगता है। मैं ऐसी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, इग्नोर इग्नोर सिस्टम। या तो तुम हो या तुम नहीं, समझो या तो तुम हो या तो तुम नहीं हो, या तो तुम्हें मन लग रहा है या तो तुम्हें मन नहीं लग रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंड आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टू टॉक अबाउट द स्टूडेंट हु लाइज इन बिटवीन। मेरा इंटरेस्ट इस स्टूडेंट, या तो आपको मन लग रहा है या आपको मन नहीं लग रहा। तो अब आप अपने आप को अज्यूम कर लो कि आप कहां पर हो, आप कहां पर हो, समझ रहे हो। अब ये क्लियर कर लो तो किस की कहां पे हो, शर्माओ मत, है ना, शर्माओ मत। अरे मन में सोचना है, कौन देख रहा है, ना मन में भी सोचने से शर्माते हो, पागल बनती है, समझ रहे हो। सोचो, अब जब आपने सोच लिया तो अब आपको पता है, अब आपको पता है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा। एक्सक्यूज मी, एम आई राइट? यस सर। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर आगे क्या सर, आगे क्या सर, आगे क्या, आगे क्या। तो अभी देखो तुम यहां पर खड़े हो, है ना, और तुम्हें अब मन नहीं लग रहा, मन अभी नहीं रहा। आने वाले समय में तुम यहां पर खड़े रहोगे, यहां पर होने, आने वाले समय में तुम यहां पर खड़े रहोगे। आपको यहां पर आना है, मेरे पास समझो, आने वाले समय में आपको इस जाल में फंसना है, समझे। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या वहां जाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इधर जाना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपको रहना तो इसी दुनिया में ना दोस्तों, कहीं और चांद पे घर बना रहे हो तो मार्स पे घर बनाने का प्लान है। रहना है आपको इस दुनिया में तो आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा आपको इस एरिया में दोस्तों, एम आई राइट? तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप कैसी बकवास कर रहे हो, मेरा यहाँ पर अभी यहाँ क्लियर है, फिर पूरा क्लियर है, जो देख लो आप सच में आपके साथ क्लियर है, आप जिस भी सिचुएशन में हो ना देखो पूरा क्लियर है, क्लियर है ना। अरे क्लियर नहीं दिख रहा है तुम्हें, क्लियर है, लेकिन जब तुम यहाँ पर होगे तो क्लियर नहीं, तुम्हें यहाँ मन नहीं लग रहा है। क्या गारंटी है कि तुम्हें यहाँ मन लगेगा? अरे क्वेश्चन समझो, तुम्हें यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्या गारंटी है कि तेरा मन यहां लगेगा? समझ रहे हो मेरे बात, समझ रहे हो मेरे बात, क्वेश्चन समझ रहे हो मेरे बात, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ लो, आपका 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 500% काम खत्म। आप सॉल्यूशन की तरफ क्यों भाग रहे हो? प्लीज डोंट गो टू आवर्स द सॉल्यूशन, प्लीज आप क्वेश्चन समझो ना, समझ रहे हो मेरे बात। मैंने आपसे क्या बोला कि आप जिस भी सिचुएशन में अभी हो, है ना, आप जिस भी सिचुएशन में हो अभी अपने आप को ये एज्यूम करो कि आप यहाँ पर, आने वाले समय में, आने वाले समय में जैसे जैसे आपका टाइम ट्रेवल होगा, जैसे जैसे आपका टाइम ट्रेवल होगा आपकी शिफ्टिंग होती होगी, है ना, आपके सिचुएशन की शिफ्टिंग होगी। और ये तो अभी आप देख रहे हो ना ट्रांस, है ना,
इसकी कलर देख लो ना, लाइट है। अब आप ऐसा कलर नहीं हो जाएगा, सिचुएशन देख रहे हो, दिस इज द थिंग। समझ पा रहा हूँ मैं, समझ पा रहा हूँ मैं आपको सिचुएशन। सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, सवाल का जवाब कि अगर आज आपको मन नहीं लगता, अगर आज आपको मन नहीं लग रहा है, तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में आपका मन लगेगा? समझो मेरा क्वेश्चन, अगर आपका आंसर है यस सर, मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम पर जब हम पहुंचेंगे तो मेरा मन लगेगा, मेरा मन लगेगा। अगर तुम्हें यकीन है ना, तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व है ऑलरेडी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसकी बात मैं अगले आगे वाले से आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर तुम्हें यकीन है कि सर आप सही कह रहे हो, जब यहां मेरा मन नहीं लग रहा है, इस टाइम पर अगर हम अपने स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे करेंगे सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, नहीं हो पाएगा सर, बताइए सर अभी क्या करें, बताइए सर क्या। समझ पा रहे मेरी बात को? आपका क्वेश्चन क्लियर हो, आप किस जोन में हो, है ना? हम केस वन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, केस टू की तो बात वही में उठाया ही नहीं हो, है ना? जिसको पढ़ने में लगता है उसकी बात तो मैं कर ही रहता हूँ। अरे स्टूडेंट मेरी बात समझ रहे हो, बताइए आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बताइए बताइए, तो आप फाइनली आप क्लियर हो चुके हो आपको पढ़ने में। अब आप सोचो, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे, ठीक है ना? ठीक है ना? अब आप अपने आप को एज्यूम करो कि जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में आप स्टडी कर रहे हो, आपका कंप्लीशन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स कंप्लीशन, आप बैठ जाओ आराम से, बैठो पानी पी लो, है ना, चाय पी लो, जो पीना है वो भी पी लो, आराम से बैठो। कि आपका मन पढ़ने में मन लगता नहीं, आप स्टडी पे फोकस करते हैं, है ना? और आप उस क्षेत्र में उस एरिया में सक्सेसफुल होना भी चाहते हो, आपको सक्सेस भी चाहिए, तभी तो पढ़ रहे हो, है ना, है ना, है ना? तो आपका कंपटीशन ऐसे कितने चेहरे से, कैन यू काउंट दैट? आंसर है नो। मतलब कि आप काउंट कर ही नहीं सकते, क्यों? आपके मन में सवाल आया, क्यों सर? आप डेटा ले लो ना, आप डेटा ले लो सर, 15 लैक्स, 20 लैक्स, 25 लैक्स, ये कौन है? तुम्हारे कंपटीटर है जो एग्जैक्टली उसी हालात में है जिस हालात में तुम हो। अरे समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बात फिर हमें कोई क्यों बता नहीं रहा है, ये बात हमें कोई क्यों नहीं बताता है? एग्जैक्टली, एक बात बताओ, अगर आपको कोई बता देता तो आप मेरे पास क्यों आते? समझ रहे मेरी बात? अगर आपको कोई बता देता तो आप मुझे क्यों सुन रहे होते, है ना? इतना बोरिंग लेक्चर आप क्यों सुन रहे होते, है ना? इसमें क्या है ना, म्यूजिक है ना, ना डांस है, ना आइटम सॉन्ग है, कुछ कुछ है, एक बोरिंग 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 बातें आप क्यों सुनते हैं? बताओ क्यों सुनते हैं? तब पागल तो तुम नहीं हो, है ना? तो अभी तक अगर तुम टिके हुए हो, अभी तक अगर तुम जो सुन रहे हो, तो यही तुम्हारा पाठ, समझ लो ना, समझ लो ना, समझ लो ना, कि तुम निकलना चाह रहे हो, है ना? तभी तो सुन रहे हो ना, मैं तो इसमें क्या बताओ, एंजॉय तो चल रहा है ना? तो तुम्हें भी पता है ये बात, है ना? तुम्हें भी ये बात पता है, लेकिन तुम्हारे अनकॉन्शियस
ओके माइंड को पता है ये बात, कॉन्शियसली तुम्हें पता ये बात नहीं है, है ना, समझ रहे बात है ना। तुम स्लीपिंग मोड में तुम्हारा माइंड इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहा है, वेकेंट फॉर्म में आपका माइंड इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, लेकिन आपको शक है कि आपका जो वेकेंट फॉर्म ऑफ माइंड है वो इस चीज को एक दिन देख पाएगा। उसी देख पाने के इंतजार में आप मुझे समझ रहे हो, क्लियर है ना। पहले आप अपनी सिचुएशन को तो देखो, अपनी हालात को तो देखो कि तुम्हें और भी गिरना है, तुम्हें और भी गिरना है, समझ रहे हो मेरे बात, तुम नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। तुम अपनी हालात को तो देखो दोस्तों, अपनी हालात को तो देखो कि तुम और गिरना चाहते हो, और गिरना चाहते हो, है ना, और गिरना चाहते हो कि उठना चाहते हो, बोलो। अरे ये सवाल तुम्हें खुद से करना है, देखो आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ खुद से पूछो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, समझ रहे मेरी बात को। अरे दोस्तों मेरी बात को समझ रहे हो, अपने आप को पूछो आप क्या चाहते हो, किस हालात में हो, है ना, है ना, समझ रहे मेरी बात को। आप जो चाह रहे हो क्या सिर्फ आप ही चाह रहे हो, आपको पढ़ने में मन लग रहा है, नहीं, आप स्टडी फोकस कर पा रहे हो, नहीं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, नहीं, आपके पास नोट्स बना हुआ है, नहीं, समझ रहे हो ना, पूछना क्या की बात अगले सेशन